आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम किल्लाई नाका बालाकोट रोड दमोई। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। LIC में शहरी एजेंट भर्ती 6000 हर माह, 20 से 25000 कमीशन, केवल 25 पद। जल्द संपर्क करें, योग्यता 12th पास, उम्र 25 वर्ष। संपर्क करें आशीष जैन, LIC विकास अधिकारी दमोह। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह जिले में दीपावली के दिन गौरी संगठ टिकड्डा निवासी अतुल तिवारी की दर्दनाक हत्याकांड के मामले में आज पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम में एक पत्रकार वार्ता कर खुलासा किया, जिसमें 6 आरोपियों के द्वारा इस घटनाक्रम को वारदात दिया गया, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने विस्तार से जानकारी देते हुए घटना के बारे में बताया। आइए सुनते हैं क्या कहना है। किस तरह से क्या हुआ? 6 नवम्बर को थाना दमोह देहात क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पे डेड बॉडी मिली थी, जो कि खून से लथपथ थी। सूचना पर जो है दमोह देहात पुलिस द्वारा मार्क कायम किया गया, लेकिन सेंसिटिव इसलिए थी कि खून से लथपथ थी, उसकी हत्या हुई थी, इसलिए उसी दिन हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। यह प्रकरण बड़ा सनसनीखेज था, पुलिस टोटल ब्लाइंड थी। यह शव किसका है, बाद में ट्रेस हुआ कि यह गौरी शंकर टिकड्डा दमोह का रहने वाला 23 वर्षीय नवयुवक अतुल तिवारी है। ये प्रश्न है कि हत्या किसने की थी, क्या था, आपके साथ में कौन कौन था। हमने वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लिया और साइबर टीम प्लस CCTV फुटेज हमने उस इलाके के तलाश किए, तो उनके कुछ साथियों का पता चला, तो उनके द्वारा उनके साथियों को टेस्ट किया गया। जितने भी उसके साथी थे CCTV फुटेज में दिख रहे थे, और सबसे जब पूछताछ की तो पाया गया कि उसके साथ 6 मित्र थे, किशन, मनोज, प्रवीण। इन 6 साथियों के द्वारा पहले दिन में भी पूरे दिन भर साथ में रहकर शराब पीने के बाद फिर ये घर भी गया था, बाहर फिर उसको बुलाया गया और वहाँ पर मंदिर के पास एक सुनसान मकान है, वहाँ पर मारपीट की, क्योंकि वो कस्बे का हिस्सा था, तो इसको फिर सुनसान स्थान में जाने कछियाना मोहल्ले में रेलवे ट्रैक पर ले जाया गया और वहाँ पर उन्हें बेल्टों के साथ लात कूतों से मारपीट की और मारा समझ कर ट्रैक पर छोड़ दिया। इस प्रकार से बड़ी सूझबूझ से, क्योंकि बड़ा सनसनीखेज प्रकरण था, इस प्रकरण को चिन्हित भी किया, मेरे द्वारा इनाम 5000 का इनाम भी तत्काल घोषित किया गया था और एक विशेष टीम गठित की, और उस टीम में एडिशनल SP और CSP के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दमोह देहात विजय राजपूत और थाना प्रभारी कोतवाली सत्येंद्र राजपूत, उनके विशेष प्रयासों से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। 6 आरोपी थे, 6 आरोपी को दस्तयाब किया गया, उनके द्वारा अपराध स्वीकार किया और विधिवत से मेमोरेंडम पे जब्ती की गई, जो घटना में बेल्ट जिनसे मारपीट की थी और जब्ती के उपरांत जो वाहन इसमें बिठा के ले गए थे उसकी जब्ती की गई है और आज जो है न्यायालय को पेश किया गया।